अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, मैंने आपके घर राशन भिजवाया था, आपको मिल गया? जी, मिल गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है मौलवी साहब, मैं चलता हूँ। ओए, ये क्या हुआ? मेरी जेब कहाँ गई? मेरी जेब किसने काट ली? खैर है, शोर क्यों मचाया हुआ है? मौलवी साहब, मेरी जेब किसने काट ली है और मैं पहली बार इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आया हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी हरकत किसने की है? Oh, no! पता नहीं, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरी जेब के साथ छेड़खानी कर रहा है, और फौरन ही मैंने नमाज पढ़ के जेब में हाथ डाला तो जेब कट गई थी मेरी। अच्छा, परेशान ना हो आप अगली नमाज में आओ, मैं इसका हल निकालता हूँ। ठीक है मौलवी साहब, मैं अगली नमाज में आता हूँ। चलो, नमाज का टाइम हो गया, चलते हैं और देखते हैं कि मौलवी साहब ने उसका सामान ढूंढा या नहीं ढूंढा। चलो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी मौलवी साहब, मेरा पर्स मिला कि नहीं मिला? कुछ लोगों से मैंने पूछ लिया है, कुछ लोग अभी रहते हैं, उन्हें अगली नमाज में पूछूंगा। ऐसा करें, आप अगली नमाज में आओ। मौलवी साहब देखें, जल्दी ढूंढें, मेरे पैसे काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, मैंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती नमाज के लिए भेजा था। हाँ, आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया समझो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 4 दिन बाद। हाँ जी मौलवी साहब, मेरा सामान मिला कि नहीं मिला? यारा परेशान ना हो, आप अगली नमाज में आए, जरूर मिल जाएगा आपको। ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है? अगली नमाज करके 4 दिन निकाल दिए मेरे। अगर नहीं मिला तो मुझे बता दें, मैं अगली नमाज में आऊंगा ही नहीं। बेटा क्या हुआ है? आपने उस दिन मुझे नमाज पढ़ने के लिए भेजा था यहाँ पे, जैसे मैं नमाज के लिए आया जेब कट गई मेरी यहाँ पे, और मौलवी साहब मुझे कहते हैं अगली नमाज में आना। अगली नमाज करके इन्होंने मेरे 4 दिन गुजार दिए, और 4 दिन से मैं मुसलसल नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। कितने पैसे थे बेटा उसके अंदर? 5,000 रुपए। 5,000? अच्छा, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए पिछले 4 दिन से आप हर नमाज में आ रहे हो? जिस मालिक ने आपको बेहिसाब रिस्क दी है, उसके लिए एक नमाज के लिए भी नहीं आ सकते आप? और इसके अलावा, ये पर्स मैंने ही चुराया था। ये लो आपका पर्स और चेक कर लो, पैसे पूरे हैं इसमें। नमाज पढ़ा करो, क्योंकि आने के बाद सबसे पहले सवाल इसी बात का होने। मौलवी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं 5 वक्त की डेली नमाज पढ़ने आऊँगा, आपकी बहुत मेहरबानी। मुबारक हो अदनान साहब, आपका बेटा नमाजी हो गया है। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब आपका। एक ना एक दिन सबको मरना है, तो क्यों ना आज से ही आखिरत की तैयारी शुरू कर लीजिए।